हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे पास ये एक ग्राइंडर है जिसका आर्मेचर जला है, जिसको हम रिपेयर करने वाले हैं और रिप्लेस करने वाले हैं। ये हमारा नया आर्मेचर है। ये हमारा ला है, ये आपको पुराने सर्किट में मिल जाएगा। किसी भी जो ग्लू होता है, ग्लू टाइप का चिपकाया हुआ, इसको हम ऐसे मेल्ट करके यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे, जिसकी मदद से ये बहुत ही अच्छा से चिपक जाता है। इससे हमारा दूसरा, इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। हम देख सकते हैं जो अभी खाली है, खाली है हमारा। तो ये हमारा ऐसे सेट करना है, दोनों में एक बड़ा वायर है, एक छोटा वायर है, इन दोनों को ऐसे कर देना है। इसमें ये छोटा वाला वायर दोनों इसके ब्रश पे चला जाएगा, ब्रश पे, और ये दोनों पे सप्लाई आएगा। एक बार हम वायर को थोड़ा बैठा लेते हैं अच्छा से, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं हमारा चारों वायर चारों कोने से निकल रहा है, और ये हमारा बैठने जा रहा है। अब थोड़ा अभी और अंदर जाएगा, इसका कुछ ऐसे दबाना है। इस पर हैमर का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ी का इसको पूरा दबाना है, जहाँ तक इसको जाना है खुद चला जाएगा। ये हमारा लास्ट स्टेज पे चला गया, अब हम इसमें कार्बन डालते हैं। तो आइए हमारा बैठ गया दूसरे से,
तो ये हमारा छोटा वाला जा रहा है ग्रास पे, कार्बन पे इसके, सॉरी इसको हम यहाँ फिक्स कर देंगे। ये फिर हमारा यहाँ दूसरा वाला भी जाएगा, छोटा वाला कार्बन पे, यहाँ से हमारा बड़ा वाला आ जाएगा। दूसरा हमारा बड़ा हमारा इसका कनेक्शन हो गया रेडी। ये हमारा इसका स्विच है, यहाँ पर हम फेस और न्यूट्रल ऐड करेंगे। ये दोनों फेस न्यूट्रल है और ये इसका स्विच है, इसका स्विच भी ये कहीं गिर गया है तो इसमें हम इसका स्विच भी ऐड करने वाले हैं जो कि हमने लाए हैं मार्केट से। ये इसका कुछ इस प्रकार के आता है, तो ये इसको ऐड कर देते हैं। हमारा स्विच रेडी हो गया, स्विच तो लग गया, वायर मैचर डालते हैं। बस टेम्पर वही चेक करने के लिए इसे डाल रहा हूँ। अभी इसका गियर टाइट कर लेते हैं इसमें, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आइए इसको टाइट कर लेते हैं। ये तो हमारा नीचे से भी लग सकता है, तो इसको अभी लगाना कोई खास ज़रूरी नहीं है। इसके इसमें एयर इकट्ठा होकर फिर बाइक मारता है आर्मेचर पे, लेकिन इसको पहले लगाना होगा। तो इसको ऐसे लगा देंगे, ये लगाने के बाद हमारा बैरिंग आ जाएगा, इसमें बैर रहेगा कुछ ऐसे। और ये हमारा वाशर आ गया ऊपर से, ये हमारा गहरा जाएगा, इसको थोड़ा साफ हो गया।